नमस्ते, मैं हूँ पौलमी दास और मैं हूँ ताहिर शबीर एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। ताहिर, क्या कहना चाहेंगे पेकाडू 2 किस तरह की वेब सीरीज है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बेहतरीन वेब सीरीज है, सीजन 2 है। एक तो आपने देखी होगी शायद, कियान रॉय वापस आ रहा है एक बड़ी भयानक अंदाज में। उसमें पहले सीजन में आपने देखा होगा कि उसे जेल भेज दिया गया है अनाइशा और कस्टी ने, तो इस समय इस सीज़न में वो आता है और विदिता को मिलता है और एक प्लान बनाता है, एक षड्यंत्र रचता है जिससे कि वो जाके उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय और नेस्त नाबूद कर देगा। नेस्त नाबूद, दैट्स अ हैवी वर्ड। हाँ, आई गेस। क्या कहना चाहेंगे? विदिता, मैं विदिता की किरदार निभा रही हूँ जो इसकी पार्टनर इन क्राइम है। सो बेसिकली विदिता उसकी एक ऐसी लड़की है जिसके ज़िंदगी में कुछ गोल्स है, कुछ एम्बिशंस है, कुछ डेस्टिनीज है जहाँ पे उसको पहुँचना है। वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन है अपनी चीज़ों को लेके। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। शी इज़ अ हेड टर्नर, शी इज़ अ डीवा विदिता, एंड she is one of the most mysterious character. She's always going to be the most mysterious character of this show. ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है। हाँ, हम लोग bros हैं। हम off screen, on screen कुछ है, off screen कुछ बात। हाँ, but you won't believe it, मैं इतना relief था जब मैंने पहले दिन मैं आया था set पे, मैंने बोला oh पौलोमी है मेरी कोस्टा, because we have such great camaraderie, हम लोग कई सालों से दोस्त हैं। मैं ये जो डीवा बन के घूमती रहती हूँ, बिकॉज आई एम जेमिनी, आई थिंक आई हैव टू वर्जन ऑफ मी, वन इज लाइक ब्रो कूल चिक एंड द अदर वन इज लाइक एब्सोल्युटली क्लासी बिची व्हाटएवर डीवा, मोर द लैटर। भाई तो बहुत एंग्री आदमी है, उसे लगता है, हाँ एंग्री यंग मैन, उसे बहुत तकलीफ है, बहुत गुस्से में, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसे लगता है कि जो सज़ा उसको मिली सीजन 1 में कि उसे जेल भेज दिया गया, उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने लगा यार जो भी होता है ज़िंदगी में अगर तकलीफें होती है तो सॉल्व करो, टांग तोड़ दो, फिगर बदला ले लो, पर जेल मत भेजो। सो बिकॉज जेल गया है और जेल में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान के साथ, तो नाउ जब उसे जेल से छोड़ा गया है तो ही इज कम बैक एंड इज लाइक अभी तो उनकी बैंड बजा के ही रहेगा वो। किस किस की बैंड बजाएगा अभी बाहर निकल के? कस्टी और अनाइशा मेनली, और कस्टी और अनाइशा के अलावा जो भी उसके आड़े आएगा उसकी बैंड बजाता है वो। फुल ब्रेक छोड़ दिए हैं, ब्रेक फेल उसके, ब्रेक आप उसकी गाड़ी, अरे हाँ भर भर के यहाँ आई थिंक इस शो में हर आदमी का ब्रेक फेल हो गया, सब लोग बेकाबू है, सब बेकाबू, सब एक दूसरे को बेकाबू कर भी रहे हैं। हाँ। आपने क्या स्टंट किया ऐसा कुछ जो आप मतलब बेकाबू की अगर बात करें आप? स्टंट मतलब स्टंट तो मैंने किया है, मुझे पांचवें वाले से हार्नेस पहन के मुझे कूदने के लिए कहा था, इसने मुझे धक्का दिया था, इसने, तो मैं पांचवें वाले से मैं ऐसे कूद जाती हूँ। ऑब्वियसली हार्नेस पहना था मैंने, बट वो रियल वहाँ पे हार्नेस उसने उन्होंने हटा दिया था एडिट करके, बट या और एक सीन था जहाँ से मैं ऐसे बीच समुंदर से उठ के आ रही हूँ, बहुत सारे बोल्डर्स थे, बहुत ज़्यादा हेवी वेव्स थे, तो इट वाज लाइक कोई लाइफ गार्ड नहीं था वहाँ पे, तो मैं भगवान भरोसे चले गई थी। मैं बचा लेता था। तू था ही नहीं, तू तो आया नहीं था जब ये सीन हो रहा था। मैं थोड़ा दूर बैठा था। अच्छा, कुछ भी होगा ये रुक जा, अब आ रहा हूँ मैं। टाइटल से मालूम पड़ता है कि बेकाबू कहीं ना कहीं मार दौड़ भाग दौड़ उठा पटक की कहानी। जी हाँ बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे तारे? जी बहुत ज़्यादा उठक पटक मार धाड़ है इसमें, क्योंकि एक्शन है, थ्रिलर है, मोहब्बत है, रोमांस है, डांस है, और मैं बाइक भी चला रहा हूँ इसमें, भिंडी बाजार का हूँ तो थोड़ी बहुत बाइक तो बनती है। सो आपने देखा होगा बाइक पे भी एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस है, बहुत मज़ा आया था, व्हीली व्हीली सब हो रहा है। भिंडी बाजार का दिखा है, नो फियर नो शाय भाई। मैं मुंबई के, आप भाई तो नहीं कह सकते, क्या बने आप उधर? नहीं, मैं इसमें कियान एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आदमी है, पर बिकॉज मैं बचपन से बाइक चलाते आए हूँ, तो बाइक का मैंने बहुत सालों के बाद, जैसे नाम शबाना वगैरह में छोटी छोटी बाइक सीक्वेंसेज है, इसमें बहुत ही कमाल की बाइक सीक्वेंस है, पूरा एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे पुलिस मुझे चेज कर रही है। सो यू विल रियली लाइक इट। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मुंबई की कहानी है more or less, Bombay, yeah, more or less.
से हमने शूटिंग गोवा में किया है पर वो झूठ है, वो बॉम्बे दिखा रहे हैं। भिंडी बाजार की बात आती है तो ये बातें बेकाबू तो अपने आप ही आ जाती है कि रात को स्टंट करना, गाड़ियां लेके निकल जाते हैं लड़के, आज भी देखते हैं 15-15-20 बाइकें होती है बेकाबू। पर बिल्कुल भी इंस्पायर्ड मत होना इसके मतलब, अगर ये जो भी कर रहे हैं इट्स ऑल अंडर विद लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, लॉट ऑफ स्टंट्समैन आर बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, लॉट ऑफ technicality things are there, बहुत टाइम पे हम खुद चला भी नहीं रहे, वो व्हीली के ऊपर करते, तो don't get inspired by that, don't have to try at home, and don't even think that you're shooting में बहुत कुछ चीजें पीछे होती है, so don't get inspired by them, just say, कूदना भी मत building से, देखो ना harness पहनने के बाद वहाँ पे literally 20 लोग थे, make sure that I don't die, so हम लोग बहुत सारे protection लेके ये सारी चीजें करते हैं, so don't get inspired by that, and don't do all of these stunts at home. सारे नन्हे मुन्ने बच्चे आंटी की बात सुनो, मेरे को मुझे बहुत मजा आया जब मैं बाइक चला रहा था बीच के ऊपर, कौन सी बाइक, एक बुलेट नहीं थी कोई, तो ऑफ रोड टाइप की बाइक थी, हाँ ये था क्या कहते हैं अपना डर्ट बाइक था, डर्ट नॉट डर्ट बाइक, इट वाज लाइक अ स्ट्रीट ऑफ रोडर थी जी, मैं तो चली भी थी उस पे, कब जब तू बीच पे गाड़ी चला रहा था, याद नहीं तुम मुझे और मेसबा को एक एक करके राउंड दे रहा था, तो बेसिकली उनको सीन, इन लोगों को सीन में चांस नहीं मिला, तो इनको सबको मैं एक एक ग्राउंड दिला रहा था, सारे बच्चों को मैं घुमा रहा था वहाँ पे बीच पे, और मैंने लाइफ में ना कभी बीच पे बाइक नहीं चलाई थी, सो बहुत मजा आया है बाइक, अगर आप एंड लाइक अ गुड बाइक, तो फॉर मी दैट वाज अ रोमांचक चीज थी करने को। पर एक लाइन में स्टोरी क्या है, धमाकेदार और बदले की कहानी है, तुमने मेरी बैंड बजाई, मैं तुम्हारी बजाऊंगा, धमाकेदार बोल दी, मैंने पहले बोल दिया था एक लाइन, एक वर्ड में, एक वर्ड में, देखो ओल्ड बालाजी की वेब सीरीज हो और रोमांस सीन ना हो, कोई भी ऐसा बोल्ड सीन ना हो, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे बहुत सारे शोज है जिसमें रोमांस, आई मीन कोई बोल्ड सीन है, कुछ ऐसा यहाँ पे तो है, ऑफ कोर्स बोल्ड सीन है कुछ, हाँ हाँ है ना, बढ़िया से किसने फिल्माए आपकी टीम में, मेरी शुभा के साथ सीन्स हैं जो आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं, कितना बोल्ड, हाँ मैं किस कर रही हूँ, मैं स्मूच कर रही हूँ, पहली बार मैंने किसी लड़की को स्मूच किया, पहली बार सब में आ गए, क्या बात है भाई, मुझे बड़ी शर्म आती है यार, मैं बड़ा शर्मीला हूँ, मैं बहुत शर्मीला हूँ यार, कितना शर्मीला, मैं इतना शर्मीला हूँ कि किस करता तो मुंह फेर लेते हैं, मैं भाग जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, भाग जाता हूँ। और कैसा वाक्या रहा शूटिंग के दौरान, कोई ऐसा बताने वाला कोई वाक्या शेयर करेंगे, ये एडी बन जाता था जब भी हमारे इंटीमेट सीन्स होते थे, मतलब मुझे एडी बन जाता था, जैसे ऐसे होते हैं कि मैं ईडी हुआ करता था मेरे ज़माने में, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे जब कुछ कोई भी टाइप की लोग औरतें को अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, औरतों के हित में मैं हमेशा घुस जाता हूँ हर चीज़ में, जैसे अगर कभी भी मैं कुछ ऑफ शोल्डर कपड़े पहनती थी या कुछ भी ऐसे बैकलेस कपड़े पहनती थी, अपना जैकेट उतार के प्लीज़ कपड़े पहन ले, मैंने बोला पर ये स्टाइल है, बोले नहीं है कपड़े पहन, इसको कोई कपड़े पहनाओ, तो हमेशा ये करता था, हाँ मेरा बस चले तो अभी भी मैं अपना जैकेट उतार के उसे पहना दूँ। मेरी पहली पिक्चर थी कुर्बान करके, एक पिक्चर थी जिसमें मैं टेररिस्ट और प्लेन उड़ा देता है, जिसमें मैं प्लेन आया, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुर्बान से लेके यहाँ तक की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिनोमिनल भाई, मैं आई एम लिविंग अ ड्रीम, भिंडी बाजार से उठाऊ और आज जो मेरे स्टॉलवर्ट जो आइकन्स है उनके साथ काम कर रहा हूँ, करण जौहर साहब हो गए, एकता कपूर हो गई, आ हा आदित्य चोपड़ा साहब हो गए, इनके साथ काम कर चुका हूँ, बहुत मजा आ रहा है, आई डोंट थिंक लाइफ कैन गेट बेटर, मतलब भिंडी बाजार का नाम आता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में आ जाती है। मेरे अब्बा की मिठाई की दुकान है शब्बीर तवक्कल स्वीट्स, आइएगा, रमजान आ रहा है, सबको खिलाता हूँ अपने हाथों से, मैं तो रमजान के टाइम पे सिर्फ घर पे शिफ्ट हो रही हूं। आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था? उस हिसाब से कैलकटा में था जो था, बट बॉम्बे में मेरा पहला शो था स्टार प्लस के लिए सुहानी सिंह लड़की, वो मेरा पहला शो था एकदम घर मतलब सास बहू टाइप का, जहाँ पे मुझे पूरे कपड़े मिलते थे, हाँ मुझे वो करना चाहिए था आपके साथ, तो वो मेरा पहला शो था, पहला वेब शो, दिल ही तो है एंड बारिश, वो दोनों साथ में रिलीज हुआ था, तो वो दोनों मेरे पहले वेब सीरीज थे, सो फॉर मी वर्किंग विद एकता इट्स लाइक आई एम होम अगेन, लाइक बालाजी के साथ काम करना मुझे हमेशा से लगता है कि मैं घर वापस आ गई हूँ, सो इट्स लाइक दे आर लाइक माई फैमिली, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम अगेन। कितना प्राउड मानते हैं आप दोनों कि बालाजी का हिस्सा बने हैं, ओल्ड बालाजी का
Balaji is always a privilege to work. I am so comfortable with this production house, with everyone, even the makeup. Balaji has one thing that I have to tell you, they're so creative, they're so liberal, and they always praise women. Like with Balaji, I have seen one thing. Balaji ke apke up top level pe jo jo hai na, they all mostly they are women. That's what I like about them. Shobha and Dian ek to jo they are the creators of Balaji. जी देखिए, 5 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ मैं प्रॉपरली निशा उसके कजन से, और मैं हमेशा से एकता से एकता के साथ काम करना चाहता था. आई फाइंड अ वेरी एंडियरिंग, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, और देर इज नो वे आउट ऑफ लेट गॉन दिस. इनफैक्ट मेरे इस लाइक वॉज लाइक अ गन ऑन माई हेड, एंड सुनंदा वेंट आउट ऑफ अ वे टू मेक श्योर मेरी डेटे वेटे सब निकल जाए. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड इट्स अ बिग ऑनर एक्चुअली टू वर्क पीपल जिन इन लोगों के सपने देखा करता था मैं कि एक दिन के साथ काम करने को का मौका मिले. And to be a part of it's amazing. Thank you, Ekta, and thank you, Balaji.